नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मम्मल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये जो हमने हिबिस्कस की जो कटिंग की थी उस ट्री का ये ऊपर का हिस्सा है, तो इसको मैंने सोचा इसको फेंकने से अच्छा है कि इसको हम कटिंग से ग्रो करके देखते हैं। अगर ये ग्रो हो गया तो हमें एक बोनसाई और बन जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसको हम ग्रो करने से पहले मैं इसको अनवायर कर देता हूँ। जो हमने इस पर वायरिंग कर रखी है वो वायरिंग हम पहले खोल देते हैं। दोस्तों, अनवायरिंग के टाइम पे भी ध्यान से आप इसको अनवायर कीजिए। दोस्तों, इसके जो लीव्स है ये थोड़े से मुरझा गए हैं, बिकॉज मैंने ये दो दिन पहले की कट की हुई है। ओके दोस्तों, इसको हमने अनवायर कर दिया है। अब हम इसकी जो एक्स्ट्रा ब्रांचें हैं उनको कट कर देंगे। ओके दोस्तों, तो मैं इसकी थोड़ी सी ब्रांचें कट कर देता हूँ, लीव्स कट कर देते हैं। ओके दोस्तों, इतना काफी है। अब हम इसको ग्रो करेंगे। ग्रो करने से पहले दोस्तों, इसका जो नीचे का बेस है ये हमें ठीक करना होगा। दोस्तों, ये जो इसकी जो ब्रांच है, ये कटिंग है, ये काफी मोटी है, तो इसको या तो आप शार्प कटर से कट कीजिएगा। अगर शार्प कटर नहीं है, जैसे कि मेरे पास नहीं है कोई ऐसा कटर जो मैं इतनी मोटी कटिंग को काटूं, तो इसके लिए मैं इसको ब्लेड से कट करूंगा। बिकॉज अगर हम शार्प कट नहीं करेंगे तो इसका जो बार्क है ये ड्राई होने लग जाएगा। जो ये साइड का बार्क है ये ड्राई होने लग जाता है। ओके दोस्तों, मैंने इसको कट कर दिया है। ओके दोस्तों, अब हम इस पर रूट हार्मोन लगा देते हैं। दोस्तों, मैं इसके साइड में भी रूट हार्मोन लगा दूंगा, बिकॉज जो रूट्स हैं वो साइडों से भी जर्मिनेट होती है। जो ये हिस्सा है, यहाँ से रूट्स नहीं निकलेगी, ये मैं यहाँ पे इसलिए लगा रहा हूँ ताकि यहाँ पे फंगस वगैरह ना लगे। बिकॉज रूट हार्मोन्स में ऐसा केमिकल होता है जो फंगस को नहीं लगने देता। ओके दोस्तों, ये कटिंग हमारी रेडी है। मैं इस पॉट में इसको ग्रो करूँगा, तो सबसे पहले हम पॉट में सॉइल डालेंगे। सबसे पहले हम थोड़े से कंकर डाल देंगे। दोस्तों, इसके अंदर मैं बोनसाई सॉइल नहीं यूज करूंगा। मैं इसके अंदर जो सॉइल यूज करूंगा, गार्डन सॉइल और कंपोस्ट मिला रखी है। थोड़ी सी इसके अंदर बजरी भी है, तो ये नॉर्मल पॉटिंग सॉइल है। तो हम पॉट के अंदर पहले थोड़ा सॉइल मिक्स डालेंगे। दोस्तों, हाथों से इसको सॉइल को अच्छे से प्रेस कर दें ताकि जो कटिंग है वो हिले ना। कटिंग लगाने के बाद ये खास ध्यान रखें कि कटिंग हिले ना। थोड़ा सा सॉइल और डाल देंगे। ओके दोस्तों, हमने ये कटिंग यहाँ पॉट कर दी विस्कस की। दोस्तों, मैं अब इसमें वाटरिंग करूंगा और इसको वाटरिंग करके छोड़ दूंगा। तो आज हमारी कटिंग को हम चेक करते हैं। देखिए, इसमें जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो गई है, आपको न्यू लीव्स दिख रहे होंगे। इसमें कुछ अनवांटेड ग्रास उगाई है तो वो हम रिमूव कर देंगे। ओके दोस्तों, तो मैं इसकी इस ब्रांच को ग्रो करूंगा, इसको ऐसे और ऐसे इसको हम हटा देंगे। ओके दोस्तों, तो जो ट्री है उसने अच्छे से ग्रो स्टार्ट कर दी है। अब मैं इसको इस पर वायरिंग वगैरह कुछ नहीं करूंगा, इसको अच्छे से पहले हम ग्रो होने देंगे। बिकॉज अभी इसके अंदर जो रूट्स हैं वो कच्ची होंगी और ये अभी मेच्योर नहीं हुआ है। जब इसकी रूट्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी तब हम इस पर वर्क करेंगे। अभी फिलहाल मैं इसको ऐसे रखूंगा। और जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, इसका जो बार्क है वो कट गया है यहाँ से। तो यहाँ पे वैसे तो क्रविंग की ज़रूरत है, यहाँ पे क्रविंग करनी होगी, लेकिन क्रविंग टूल अभी अपने पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस पर हल्का सा सल्फर यूज़ कर देंगे ताकि फंगस ना लगे। लेकिन ये भी हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे जब इसकी जो ट्री की अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तब। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।